दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के सचिव एवं भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभागार में दुर्ग जिले के समस्त निकायों की बैठक मोबाइल मेडिकल यूनिट बेहतर क्रियान्वयन को लेकर की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई खास बैठक में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करें तथा लैब टेस्ट के लिए भी मरीजों को प्रेरित करें, क्योंकि कई सारी गंभीर बीमारियों का पता पूर्व में चल जाने से बीमारियों को समाप्त करने में आसानी होती है, अन्यथा बीमारी भयानक रूप धारण कर सकता है। आयुक्त ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर के लिए लोगों की सुविधाओं के अनुसार आगामी 6 माह के लिए रूट चार्ट तैयार कर लें, ताकि इसी शेड्यूल से शिविरों का आयोजन हो सके तथा लोगों को इस बारे में पता हो और वो इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर पहुँच सके। रूट चार्ट तैयार करने के पूर्व उन्होंने बेहतर शिविर स्थल का चयन करने को कहा, जहां शौचालय, पेयजल, छाया आदि की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सभी निकाय योजनाओं का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करें, ताकि हितग्राही लाभान्वित होने शिविर स्थलों तक पहुंच सकें। समस्त प्रकार की दवाइयों की उपलब्धता चलित चिकित्सा इकाई में सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के समस्त स्टाफ अपनी उपस्थिति के साथ ही निर्धारित समय पर शिविर स्थल पर मौजूद रहें। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय ने जो है कलेक्टर सभागार में पूरे जिले के जितने भी निकाय हैं जहां पे मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रहे हैं, उनकी बैठक आयोजित की थी। बैठक में जो हितग्राही हैं उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में मोबाइल मेडिकल यूनिट में हो और जो समय पर उपस्थिति जो स्टाफ की होती है वो सुनिश्चित हो। जिनका रूट शेड्यूल जारी करना है वो रूट शेड्यूल तैयार करके उसके अनुसार से शिविर का कैंप लगे। ऐसे स्थानों पर शिविर लगे जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, ये ध्यान रखने के निर्देश जो है माननीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं। कुछ ऐसे निकाय हैं जिनमें अप्रैल से जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो प्रारंभ हुआ है, तो उस पर ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि ऐसे निकाय जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और लोगों को लाभान्वित करने का काम करें। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 मोबाइल यूनिट के 6823 स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से अब तक जिले में लगभग 5.5 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। कलेक्टर मीणा भी लगातार इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर के जरिए वार्ड मोहल्ले में ही चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जा रही है, जिसका भरपूर लाभ लोग ले पा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।